परम आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे बीकानेर के लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय गोविंद मेघवाल जी, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के लोकसभा के प्रत्याशी हमारे कुलदीप इंदौरा जी, हमारी यहाँ की अनूपगढ़ की विधायक बहन शिमला नायक जी, सम्मानित मंच और किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों और मीडिया के बंधुओं, आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे बीच में इस अनूपगढ़ की धरती पर बीकानेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में और गंगानगर जिले में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आए हैं। हम इनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राहुल जी, ये वो धरती है, किसानों की धरती है, जहां पर इन किसानों ने इस मोदी सरकार के खिलाफ उन तीन काले कानूनों को वापस करने के लिए यहां पर 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर धरना दे करके देश के प्रधानमंत्री को झुकाने के लिए दुखा दिया और माफी मांगने के लिए मजबूर किया। ये वो किसान भाई हैं, ये वो किसान हैं जिनकी लड़ाई, राहुल जी, आपने भूमि अधिग्रहण कानून जब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार जब चेंज कर रही थी, अंडाड़ी और अबानी को वो जमीन देने की षड्यंत्र कर रहे थे, तब हमारे नेता राहुल गांधी जी, आपने इन किसानों की लड़ाई लड़ी और उस किसानों की लड़ाई में जीत इन किसानों की हुई, इसके लिए भी आपका ही किसान धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ के किसान को राहुल जी पानी चाहिए, फसल का सही कीमत चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन ये मोदी सरकार 10 साल से इन किसानों को कुचलने का काम कर रही है, इनको परेशान कर रही है। इनसे वादा किया गया था इनकी आमदनी दुगुनी करेंगे, इनसे वादा किया गया था कर्ज माफ करेंगे, इनसे वादा किया गया था कि एमएसपी का कानून लाएंगे, लेकिन ठगासा महसूस कर रहे हैं। आज भी यहाँ के किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, लिखित में समझौता किया था, वो एमएसपी का कानून कहाँ गया मोदी जी। ये वो किसान हैं जो चलते चुनाव में श्रीकरणपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस पर्ची सरकार ने राहुल जी मंत्री बना दिया था, उस मंत्री को अग्निवीर मंत्री बनाने का काम इस धरती के किसानों ने किया है। 6-10 दिन तक मंत्री नहीं रहा, शपथ ले ली, लेकिन मंत्रालय नहीं संभाल सका और वापस अग्निवीर मंत्री बना के भेज दिया। ये वो किसानों की धरती है, इस मोदी सरकार को झुकाने का दम रखती है, इनको सत्ता से हटाने का दम रखती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, किसान भाइयों, आप बताओ, राहुल जी के साथ लग करके यहां से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार और मोदी सरकार का मोरिया बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? गोविंद मेघवाल जी को बीकानेर से जीता करके बीजेपी के मंत्री का मोरिया बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? यहां पर हनुमानगढ़ गंगानगर के एमपी हमारे कुलदीप इंदौरा जी को जीता करके सांसद में भेजोगे और बीजेपी के कैंडिडेट के मोरिया बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो ये सब तैयार है राहुल जी, ये किसान है, ये झुक नहीं सकता। जो मोदी जी इनको अन्नदाता कहता था, आज सबसे ज्यादा अगर कुचलने का काम किया है तो इस किसान अन्नदाता को करने का काम किया है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा राहुल जी को सुने और परिणाम इतने शानदार आएंगे कि हम राजस्थान में राहुल जी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने।